बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे बीच उपस्थित है श्री पुरपा सरेन जी, ऑनरेबल एमएलए एवं सलाहकार हमारे आदरणीय पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के अरुणाचल प्रदेश वेस्टर्न जोन की। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे आज के आदरणीय पुरपा सरेन जी जो है दो बार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, यानी कि 2 times अनकॉन्टेस्ट एमएलए के खिताब अपने नाम दर्ज किए हैं। और मेरे ख्याल से आज तक अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इस तरह की उपलब्धि किसी ने भी हासिल नहीं किए हैं। और उसके बाद तीसरे बार फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और हमारे दिरांग के भाई बहनों ने, दिरांग के जनता जनार्दन ने उनके नेतृत्वता पर भरोसा करते हुए तीसरे बार भी उन्हें विधायक बनने का मौका दिया। और आज फिर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने श्री पुरपा सरेन जी को फिर से दिरांग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के कमान संभालने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर घोषित किए हैं। और आज हमारे जो 29 बसार असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के जो आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट श्रीमती न्याबुई चीनी दिर्ची के प्रचार और प्रसार के लिए, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए, उनके लिए जनता को संबोधित करने के लिए इतने दूर से ईटानगर से आज हमारे बीच आए हैं, तो मैं लपारादा डिस्ट्रिक्ट के तमाम जनता की ओर से, जितने महिला पुरुष जवान बुजुर्ग है, सभी की ओर से और प्रवक्ता की तौर पर श्रीमती न्याबुई चीनी दिर्ची के, हमारे आज की मुख्य अतिथि श्री पुरपा सरेन जी का दिल की गहराई से मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच लपारादा डिस्ट्रिक्ट के तमाम सीनियर सिटीजन्स और फॉर्मर आदरणीय मंत्री श्री केन रिबा जी भी मौजूद है। और साथ ही साथ सर, मैं बताना चाहता हूं, हमारे बसार के 4 सर्कल हैं, बसार, दारी, तिरविन और सागो सर्कल के, इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर जिस तरह से आज क्राउड और भीड़ इकट्ठे हुए हैं, सर आप देख सकते हैं इनके प्यार, इनके समर्थन श्री न्याबुई चीनी दिर्ची के प्रति जो दिल में भावना है, अपने उस भावना को प्रकट करते हुए आज इतने बड़े पैमाने पर, इतने शॉर्ट नोटिस पर श्रीमती न्याबुई चीनी दिर्ची के चाहने वाले मौजूद है हमारे बीच। और हम चाहते हैं कि आज के इस शुभ मौके पे हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि, जो कि इतनी अपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकाल के, क्योंकि चुनाव के माहौल, चुनाव के सरगर्मी हर जगह तेज है, तो ऐसे समय पे आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकाला है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के तमाम जनता जो है श्रीमती न्याबुई चीनी दिर्ची को, जिस तरह से आपके भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनके ऊपर भरोसा किया है, उन्हें लपारादा डिस्ट्रिक्ट के कमान संभालने का अवसर जो दिया है भारतीय जनता पार्टी के टिकट देकर, तो हम तमाम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जो जनता जनार्दन है, वो श्रीमती न्याबुई चीनी दिर्ची को इस बार अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में भेजने का काम हम लोग जरूर करेंगे। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से आज मार्गदर्शन हमारे मैडम दिर्ची को पुरपा सरेन सर आप दे रहे हैं, और उसी तरह हमारे अरुणाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, हमारे अरुणाचल प्रदेश के आदरणीय बीजेपी के अध्यक्ष श्री वेराम बागे जी, हमारे अरुणाचल प्रदेश के आदरणीय डिप्टी सीएम, हमारे आदरणीय स्थानीय लोकसभा के सदस्य श्री किरण रिजिजू एवं हमारे भारत सरकार के मंत्री, तो हमारे इन दिग्गज नेताओं के आशीर्वाद, इनके मार्गदर्शन और इनके छत्र छाया में हमारे श्रीमती न्याबुई चीनी दिर्ची अपना कर्तव्य निभाएंगे, अपना योगदान देंगे। बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वेलकम एड्रेस यहीं पर समापन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।